से पहले ये सब देख ले, जल्दी साफ कर देता हूं उसको। अरे आइए मैडम जी, आइए आइए। देखिए इतना बढ़िया मकान आपको कम रेंट में कहीं नहीं मिलेगा। तीन कमरे हैं इसमें, एक नीचे और दो ऊपर, अटैच बाथरूम है, खुला और हवादार, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हमें पसंद आया और हम तीन रहेंगे यहाँ पे, मैं, मेरी बहन दीपा और हमारी दोस्त पूजा। अरे बहुत बढ़िया, तो एक काम करते हैं, आपके सारे अरेंजमेंट करवा देता हूँ। ठीक है, मगर शिफ्ट होने से पहले एक बार बता दूँ आपको। वो क्या? ऊपर एक दरवाजा है, वो मत खोलिएगा प्लीज। कौन सा दरवाजा? आइए आइए। ये दरवाजा, ये स्टोर रूम का दरवाजा काफी दिनों से बंद है और किसी को पता नहीं इसी ताले की चाबी कहाँ है। क्या है इस दरवाजे के अंदर? होगा मकान मालिक का कुछ पुराना सामान। प्लीज इसको मत खोलिएगा। ठीक है, नहीं खोलेंगे। चले चले। अभी डिसाइड कर लेते कि किसको कौन सा रूम मिलेगा, है ना? अभी रुको, अभी रुको, जब हम ये घर में शिफ्ट करेंगे तब डिसाइड करेंगे। और मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है डिसाइड करने का कि कौन सा रूम किसको मिलेगा। कैसा तरीका? वो तुम्हें कल पता चल जाएगा। पूजा, दीपा, मेरे हाथ में तीन चिट्स हैं। ये चिट्स डिसाइड करेंगी कि कौन सा कमरा किसको मिलेगा। जिसके हाथ में जो चिट आई वो कमरा उसका। उठाओ। वाओ दीदी, मुझे बालकनी वाला रूम मिला। मेरे पास अटैच बाथरूम वाला, तो मतलब तुम्हारे पास? हाँ, और मुझे वो लॉक डोर वाला बेकार रूम। मैं क्यों रहूं उस कमरे में?
सबको इक्वल चांस मिला था, इट्स ओनली फेयर। और इसमें नाराज होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं रह लूंगी उस रूम में। चाबी किसकी है और ये आवाज कहां से आ रही थी? इस साइकिल की आवाज कहां से आ रही है? ये दरवाजा तो बंद है, फिर अंदर से आवाज कैसे आ रही है? कहीं ये चाबी इस ताले की तो नहीं? ये घंटी की आवाज यहां से आ रही थी। किसी को नहीं बताऊंगी, ये सारा पैसा मेरा है। मेरा ये सारा पैसा, किसी को नहीं दूंगी। इसको कहीं छुपा देती हूँ। दीपा, तुमने अपने इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयारी कर ली ना?
जी दीदी, इंटरव्यू देते देते 2 महीने हो गए, कितनी भी तैयारी करो लेकिन कोई जॉब ही नहीं देता। देखना, ये जॉब तुम्हें जरूर मिलेगी। गुड मॉर्निंग गर्ल्स, क्या हो रहा है? अरे पूजा, तुम आज ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुई? एक्चुअली मैं सोच रही हूँ, मैंने बहुत काम कर लिया, अब थोड़े दिन जॉब से ब्रेक लेना चाहती हूँ। शॉपिंग करूंगी, घूमने जाऊंगी, आराम करूंगी, लाइफ एंजॉय करूंगी। ओ मैडम, तुम्हारी क्या कोई लॉटरी लगी है जो अपनी जॉब छोड़ के ये सब प्लान कर रही हो? दीपा, जिंदगी में ऐश करने के लिए जरूरी नहीं होता कि कोई लॉटरी ही जीती जाए। समझी मैडम? गिफ्ट्स तुम लोगों के लिए। दिस इज फॉर यू। देखो देखो। अरे वाह। थैंक यू दीपा, दिस इज फॉर यू बेबी। थैंक यू पूजा, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? इतने सारे पैसे क्यों खर्च किए? ये शॉपिंग, ये गिफ्ट्स, चक्कर क्या है? रोहिणी, तुम आम खाओ, गुठलियां मत गिनो। दीपा, कैसा लगा तुम्हें सब? तुम ये फटी हुई ड्रेस लाई हो मेरे लिए? आई डोंट बिलीव दिस, मैंने तो ऐसा नहीं खरीदा था। ये जरूर उस शॉपकीपर ने कोई बदमाशी की है मेरे साथ। आई एम सॉरी दीपा, मैं कल तुम्हारे लिए नया गिफ्ट लाऊंगी। पूजा, ये देखो। पूजा, ये क्या मजाक है? ये सब क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। पूजा, ये भी। It is just a very horrible day. It's okay, पूजा। Yeah, it's okay. Relax. मैं पानी दे। नहीं, पानी नहीं चाहिए। मैं अभी आई। एक मिनट। कहाँ गई पूजा? शायद बाथरूम गई। Listen.
पूजा। क्या हुआ पूजा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे सोना है। तुम लोग जाओ। ठीक है, हम जाते हैं, तुम आराम करो। यू रेस्ट। हाँ ठीक है। हाँ अचानक इसे क्या हुआ? पता नहीं। चल पूजा उठ जा, तेरी बारी है कॉफी बनाने की। पूजा 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 कहाँ चली गई? पूजा दीपा दीपा कहाँ चली गई दोनों? दीपा दीपा पूजा कहाँ है? पूजा अपने कमरे में होगी। नहीं है, शायद वही होगी। चल सुबह सुबह। ये रहा आपका एग्रीमेंट। ये क्या है?
आप सच बताइए कि इस घर में आपने कुछ अजीब होते देखा क्या? नहीं, लेकिन आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे इस घर के बारे में पहले से कुछ बता देना चाहिए था। मैंने इस घर के बारे में कई कहानियां सुन रखी हैं। ये क्या कह रहे हैं आप? क्या बता देना चाहिए था और कौन सी कहानियां? इस घर में पहले भी किसी की मौत हो चुकी है। इस घर के मकान मालिक के दामाद ऐसे ही सीढ़ियों से गिरकर मर गया था और उसकी मौत को लेकर लोगों से मैंने कई कहानियां सुन रखी हैं। अब ये कहानी सच्ची है झूठी है मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, पर लोग कहते हैं कि उस स्टोर रूम से उसकी मौत का वास्ता है। और वो कैसे गिरा इसका ना तो कोई गवाह है ना कोई रिकॉर्ड। सुना है कि ये सारा पैसा मेरा सारा पैसा केक यहाँ कैसे? तुम मुझे माफ कर दो, गलती होगी मुझसे, मुझे छोड़ दो प्लीज। आज तक समझ में नहीं आया ये सब हुआ कैसे, पर सच तो ये है कि इस घर में मरने वाली आपकी दोस्त पहली इंसान नहीं है। अमन जी, अब हम इस घर में और नहीं रहेंगे, हम जल्द से जल्द यहां से शिफ्ट कर जाएंगे।
पूजा की फेवरेट ड्रेस थी ना दीदी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि वो ऐसे अचानक चली गई। दीपा, जब पूजा को खांसी हुई थी ना, तभी मुझे पता चल गया था कि कुछ गड़बड़ है। कितनी बीमार लग रही थी ना वो। हाँ दीदी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा उसने अचानक जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया क्यों। पता नहीं, और वो इतनी रात अपने कमरे से बाहर कर क्या रही थी। ये बैग, दीदी ये बैग किसका है? पता नहीं, आराम से बाहर ही है। इतना सारा पैसा? दीदी शायद यही वो वजह है जिसकी वजह से पूजा ने अपना जॉब छोड़ने का डिसीजन लिया। ये तो किसी का एड्रेस है, शायद इतना सारा पैसा देखकर ही पूजा के रंग ढंग बदल गए थे। लेकिन ये पैसे हमारे नहीं हैं, हमारा इस पे कोई हक नहीं है। जिसके पैसे हमें उसे लौटा देने चाहिए। ये आप क्या बोल रही हैं दीदी, ये पैसा हमारे घर में हमें मिला है, तो ये किसी और का कैसे हो सकता है? ये हमारा पैसा नहीं है दीपा, ये हमारा ही है क्योंकि ये हमें मिला है। हमने थोड़ा ना किसी से छीना या कोई चोरी की है। दीपा इनाफ, जो सही है वो सही है, बेकार की बहस मत कर। मैं ये एड्रेस पर जाकर पता लगाती हूँ ये पैसा किसका है। और हाँ, इस बैग को अगर हाथ भी लगाया ना, समझी? जी कहिए। अंकल मेरा नाम रोहिणी है और मैं अपनी बहन और फ्रेंड के साथ आकाश विहार के बंगलो नंबर 3 पे रेंट पे रहती हूँ। अंकल उसके बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। जी अंदर आइए। आइए बैठिए। जी अंकल मैं बैठूंगी नहीं। अंकल उस घर में शिफ्ट होते ही मेरी फ्रेंड की एक बड़े ही स्ट्रेंज एक्सीडेंट में डेथ हो गई, और मैंने ये भी सुना कि किसी और की डेथ हुई थी उस घर में, वैसे ही सीढ़ियों से गिरकर। और अंकल उस घर में मुझे एक पैसों से भरा हुआ बैग भी मिला जिसमें आपका ये एड्रेस था। अंकल आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? कुछ तो बताइए। हाँ, मेरी एक बेटी थी जिसे मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करता था, माया नाम था उसका। गुड मॉर्निंग माया, तुम स्वेटर बहुत ही अच्छा बनाती हो, तुम्हारा बनाया हुआ स्वेटर मैं जरूर पहनूंगा। प्रॉमिस पापा, प्रॉमिस। अरे हाँ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। मैं कम इन सर। कम इन। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, क्या बात है संजीव, कुछ सिग्नेचर करवाने हैं? सर वो आपसे एक परमिशन चाहिए थी। परमिशन किस बात की? सर वो मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या मैं आपकी बेटी माया से शादी कर सकता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। What? अगर मैंने अपनी हैसियत से ज्यादा मांग लिया हो तो मुझे माफ कीजिएगा, मुझे हमेशा से माया जी बहुत अच्छी लगती है।
और आज बहुत हिम्मत करके मैं अपने दिल की बात बोल पाया। संजीव, यू आर माई वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉय, तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कर रहे हो? संजीव जी, लगता है आपने मुझे ध्यान से देखा नहीं। देखिए, मैं चल फिर नहीं सकती, ठीक एक छोटे बच्चे की तरह मैं भी अपना कोई भी काम अपने आप नहीं कर सकती। माया जी, मैंने आपको देख भी लिया और समझ भी लिया, और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ, मैं आपको हर हाल में पसंद करता हूँ, और आपको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। संजीव, तुम आज फिर पीकर आए हो, ये तुम्हारी रोज रोज की आदत बनती जा रही है। शराब, तुमने ना बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था, मुझ जैसे को तुम्हारे जैसी लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए थी। ना तुमसे ढंग से बैठा जाता है, ना तुम अपने पाँव पे खड़ी हो पाती। ये क्या है, सारा दिन ये स्वेटर बुनती रहती, बोझ हो तुम धरती पे, बोझ। मैं तो इंतजार में बैठा हूँ कि तुम कब मरोगी और मुझे कब सुकून मिलेगा। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हेलो ससुर जी, अरे वो आपको बताने के लिए फोन किया है कि मैं आपकी बेटी को डाइवोर्स दे रहा हूँ। क्यों? ससुर जी, अब मेरे पास पैसे नहीं बचे आपकी बेटी की देखभाल करने के लिए, उसकी उसकी सेवा करने के लिए। संजीव, शादी के बाद से तुम मुझसे कितने पैसे ले चुके हो, ये घर भी मैंने तुम्हें रहने के लिए दे दिया है, अब क्या करूं मैं? ससुर जी, सिर्फ एक लास्ट बात, मेरे को एक बिजनेस सेटअप करने के लिए थोड़े अच्छे पैसों की जरूरत है, और फिर आप नहीं दोगे तो और कौन देगा? ठीक है संजीव, मेरे पास जो भी कुछ है बेचकर मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, पर प्लीज मेरी बेटी माया के साथ बदसलूकी मत करो, उसे परेशान मत करो। चलो उनको विश कर देते। हाय माया, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। आइए ससुर जी, आइए, आप ही का इंतजार था। आइए आइए, अरे मेरा गिफ्ट लाइए, अब आएगा एनिवर्सरी बनाने का मजा। हाँ भाई, केक लाओ यार, कहाँ केक शेक कहाँ है? अरे कम ऑन एवरीबॉडी, केक टाइम। हैप्पी संजीव, ये तुमने ठीक नहीं किया। तुम्हारी मांगों को पूरा करने के लिए मेरे पापा ने अपना सब कुछ बेच दिया। तुम्हारी लालच की अब हद हो चुकी है, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। तुम भी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हो माया, और अब तो वैसे भी तुम्हारे बाप का सारा पैसा मेरे पास आ गया, तो फिर अब तुम्हारी क्या जरूरत? छोड़ो मुझे प्लीज।
रोहिणी, किस्मत का खेल देखो, संजीव भी मेरी बेटी माया की तरह उसी सीढ़ियों से गिरकर मर गया। अंकल, लालच बहुत ही बुरी बला है। ये सब सुन के लगता है कि शायद मेरी फ्रेंड पूजा भी संजीव की तरह पैसे देखकर लालच में पड़ गई। ये पैसा तो मेरा ही है, अभी इसे ले जाती हूँ, दीदी को बाद में मना दूंगी। एक मिनट। हाँ बोल दीपा। दीदी मुझे मारना नहीं। दीदी पूजा तुम डर मत, मैं अभी आ रही हूँ। अंकल आप प्लीज मेरे साथ चलिए, मुझे लगता है आपकी बेटी माया वापस आ गई है। क्या? और अंकल आई एम वेरी श्योर कि उसी ने संजीव और पूजा दोनों को मारा है, और अब वो मेरी बहन को भी। अंकल आप ही उसे रोक सकते हैं, प्लीज मेरे साथ चलिए। मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो। दीपा दीपा जल्दी तैयार हो जाए, लेट हो रहा है। तुमने तो मुझे डरा ही दिया।
मूवर्स और पैकर्स को फोन कर दिया है, वो आने ही वाले होंगे। देखना दीपा हमारे लिए नया घर कितना अच्छा होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.